नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में कि पिनाइल इम्प्लांट्स में इन्फेक्शन कैसे होता है, पिनाइल इम्प्लांट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या पिनाइल इम्प्लांट को निकालना पड़ता है, क्या वो इन्फेक्शन दवाइयों से ठीक हो सकता है, किन कारणों की वजह से इन्फेक्शन होता है, क्या इन्फेक्शन 3 पीस में ज़्यादा होता है या 2 पीस में ज़्यादा होता है या फिर रिजिड इम्प्लांट में ज़्यादा होता है। पिनाइल इम्प्लांट्स के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं और इसलिए ये वीडियो है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कितने ज़्यादा लोगों में पिनाइल इन्फेक्शन होता है, तो बेसिकली पिनाइल इम्प्लांट में जो इन्फेक्शन है वो 1% से भी कम जो केसेस होते हैं उनमें पिनाइल इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि एक फॉरन बॉडी है, फॉरन बॉडी को हम एक अंदर डाल रहे हैं, किसी भी पुर्जे को जब हम अंदर डालते हैं तो उसके अंदर पूरा सेप्सिस होना चाहिए, एसेप्सिस होना चाहिए। उसमें इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं, पूरा का पूरा एक जो ओटी होता है उसको पूरा फ्यूमिगेट करा जाता है, डबल ऑटोक्लेव करा जाता है और बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो सके। इवन जब हम ओटी को प्रिपेयर करते हैं और सर्जरी जब हम करते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट जो मिनिमम होता है, 20 मिनट तक स्क्रब टाइम होता है, हम स्क्रब करते हैं अपने आप को और तब हम वो सर्जरी करते हैं। इसलिए करी जाती है क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा डर होता है। और वो डर क्यों है? क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो पिनाइल इम्प्लांट जो है वो खराब हो जाता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। पिनाइल इम्प्लांट में कुछ सवाल ये आते हैं कि क्या माइल्ड इन्फेक्शन है या मॉडरेट है, सीवियर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिनाइल इम्प्लांट में इन्फेक्शन है तो उसको उसमें थोड़े दिन में पस आने लगता है और उसी दौरान उसको जो है वो निकालना पड़ता है। तो क्या क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले सिम्टम ये होता है, क्या क्या लक्षण होंगे कि आपको पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी हुई है और आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इम्प्लांट में इन्फेक्शन है तो सबसे पहले क्या होगा कि बुखार आएगा, बुखार बहुत तेजी से आ सकता है, जाड़ा लेके आ सकता है, फीवर विथ चिल्स। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको जो इम्प्लांट साइट है वहां पर आपको रेडनेस हो सकती है, आपको जो है जो त्वचा है उसमें आपको लगेगा कि वो रेड हो गई है, लालीपन पे आ गया है नॉर्मल स्किन से जहां पे ऑपरेशन हुआ है। तीसरा है कि आपको उस जगह की जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और इसीलिए वो त्वचा का जो नॉर्मल अगर हम हथेली से देखें उसमें तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। चौथा, जब कभी कभी क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है और अगर ये फॉरेन बॉडी हमारे उसमें एक्सेप्ट नहीं करी हमारे शरीर ने तो वो उसको बॉडी क्या करती है, उस चीज को निकालने की कोशिश करती है, तो क्या होगा, आपको पस फॉर्मेशन हो सकता है और वो इम्पेंडिंग इम्प्लांट फेलियर होता है कि पस पड़ने लगे और वो निकलने की उस पर हो। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुरंत ही जो है जिस भी इम्प्लांट सर्जन ने आपका इम्प्लांट लगाया है उसके पास आपको जाना पड़ेगा और इम्प्लांट को निकालना पड़ता है। इम्प्लांट को निकालने के टाइम पे लोग ये भी सवाल आता है कि सर डॉक्टर साहब की क्योंकि इम्प्लांट है बहुत महंगी चीज है, इम्प्लांट डाला और वो अगर इन्फेक्शन से निकाला गया तो क्या दोबारा उसको हम वॉश करके एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में दोबारा डाल सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो इम्प्लांट एक बार इन्फेक्ट हो गया वो खराब हो जाता है, उसको हम दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको तुरंत ही बॉडी से निकालना पड़ता है। आजकल क्या होता है कि नया दूसरा इम्प्लांट जो है उस समय डाला जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक बार इम्प्लांट निकालते हैं और उस समय दोबारा नहीं डालते तो जो अगर हम बाद में अगर इम्प्लांट की सर्जरी करनी पड़ती है, यही अगर 5-6 महीने बाद करनी पड़े, तो जो फाइब्रोसिस इतनी हो जाती है कि जो इम्प्लांट का साइज अगर नेक्स्ट टाइम डलेगा वो छोटा डलता है तो आपका जो इरेक्शन होगा वो पहले से भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए जो नए डेटा है वो यही कहता है कि अगर इम्प्लांट इन्फेक्ट हो गया उसको निकाला जाए, पूरी तरह से वॉश करके सर्जिकल साइट को नया इम्प्लांट जो है डाला जाता है उसी समय। अब आखिरी जो ये सवाल एक आता है कि भाई इम्प्लांट में किसमें ज्यादा मतलब इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, रिजिड इम्प्लांट में ज्यादा होते हैं या 3 पीस इम्प्लांट में होते हैं, 2 पीस इम्प्लांट में होते हैं? तो ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई है जिसमें कि ये रैंडमाइज ट्रायल किया जाए कि एक सब्सेक्ट था जिसमें कि हमने 3 पीस डाला, एक में 2 पीस डाला, एक में जो है रिजिड इम्प्लांट डाला और देखा कि भाई किसमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सिंपल इसमें यह है कि अगर जिसमें ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं उनमें फेलियर्स के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादातर केसेस में सिमिलर ही रेट पाया गया है जो रिजिड इम्प्लांट है, क्योंकि उसमें हम इतना ज्यादा मतलब के भाई रिजर्वोयर ही डालना है, उसमें एक
अलग से बटन नहीं डालना है तो हो सकता है कि चांसेस कम हो, पर ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जो कि ये बताए कि इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है, सब स्पेकुलेशंस हैं। तो ये सब हमने आज बात करी पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में। आप और पढ़ सकते हैं पिनाइल इम्प्लांट्स क्या, कौन सा बेस्ट है, उसको कैसे करा जाता है, किस तरह की सर्जरी होती है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या रिकवरी होती है और कैसे हम इसको बेस्ट पॉसिबल उसमें कर सकते हैं, ये सब आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।